हम आपको बताएंगे कि झड़ते हुए बालों से बचने के लिए आप क्या घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो झड़ते बालों से बचने के लिए रात में मेथी के बीजों को पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठने पर इन्हें पीसकर लेप जैसा बना लीजिए और इस लेप को बालों पर लगाना चाहिए। ऐसा कुछ दिनों तक करने से रोगी के बाल जो हैं झड़ने रुक जाते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने पर बेर के पत्ते को पीसकर उसमें नींबू का रस मिलाकर सिर पर लगाने से बाल दोबारा उगने भी लगते हैं। फिर ताजा धनिया का रस या गाजर का रस बालों की जड़ों में लगाने से रोगी व्यक्ति के बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। सिर में जिस जगह से बाल झड़ गए हैं उस जगह पर प्याज का रस लगाने से बाल दोबारा उग जाते हैं। फिर खोपरे के तेल मतलब नारियल के तेल, खोपरे के तेल को मुलेठी ब्राह्मी मेहंदी के पत्ते डालकर उबालें और ठंडा होने के बाद बोतल में भरकर इसे रख दीजिए। नियमित रूप से बालों में मालिश कीजिए। इससे बाल घने काले चमकीले तो होंगे ही, साथ में दिमाग को भी पोषण मिलेगा। फिर बाल अगर झड़ते हैं तो गरम जैतून के तेल में एक चम्मच शहद और एक चम्मच दालचीनी पाउडर का पेस्ट मिलाएं। नहाने से पहले इस पेस्ट को सिर पर लगा लें। 15 मिनट बाद बाल गर्म पानी से सिर को धो लें। ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में बाल के झड़ने की समस्या आपको दूर हो जाएगी। फिर दालचीनी और शहद का मिश्रण काफी कारगर होते हैं इन चीजों में। आयुर्वेद के अनुसार इनके मिश्रण से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। त्वचा और शरीर को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। फिर एक विधि है कि गाजर को आप पीस लीजिए, उसका लेप बना लीजिए, फिर इस लेप को सिर पर लगाएं और 2 घंटे के बाद धो लीजिए। ऐसा प्रतिदिन करने से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।